जो भी लड़की आपको मंगलसूत्र में या सिंदूर में दिखे वो ऑलरेडी बुक्ड हो चुकी है जिंदगी भर के लिए, तो चांस मानने ना जाए। ये जो आप साधु देख रहे हैं ना, उसका नाम प्रहलाद जानी है और उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने 80 साल से कुछ नहीं खाया है और पानी भी नहीं पिया है। 80 साल से कुछ नहीं खाया है। इंडिया में जो थानेदार होता है या पुलिस वाला या जो भी आप समझो, मंथली इनकम 900 रुपए है। जिनके मूछें होती है उनके 30 रुपए ज्यादा है। 30 रुपए मूछों के लिए देते है सरकार। इंडिया में जैसे सारे के सारे लोग के पास आधार कार्ड होते हैं, वैसे ही सारे के सारे गायों के लिए आईडी कार्ड होता है। हाँ, आपने सही सुना, आईडी कार्ड। हेलो नहीं, मेरे को कोरोना वायरस नहीं था। तो आज कितने दिनों बाद मैं आई हूँ। मेरे जैसे यूट्यूबर्स तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मेरे को ग्रिप आने में वापस से देर लगेगा, क्योंकि मेरा है ना पूरे का पूरा कॉन्फिडेंस ना डाउन हो गया था। अभी भी है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि पूरे का पूरा कॉन्फिडेंस मेरे को आ गया वापस, बट फिर भी पहले से बेहतर। तो कितने दिनों बाद आज हम देखने वाले हैं पूरे के पूरी दुनिया वर्सेस इंडिया। जो चीजें सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल होता है वही आज हम देखने वाले। सारी दुनिया में तो ऐसा रिवाज है ना कि लड़का है ना वो रिंग लेकर लड़की के इस उंगली में पहनाते हैं, तभी वो इंगेज्ड कहलाते हैं क्या शादीशुदा। बराबर, हॉलीवुड की मूवी देख देख के यहाँ भी सिस्टम हो गया है। अब फिर भी पूरे के पूरे रिवाज नहीं अपनाए, सिर्फ ये रिंग का रिवाज ही अपनाया। ओके, और इंडिया में टू रिंग पहनाया जाता है, बोले तो बिछिया छोटी उंगली में, अंगूठे को छोड़ के दूसरी उंगली में पहनते। ओके, अब ये कहाँ कहाँ होता है? एक है केरला, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और काफी सारे, पर सिर्फ इंडिया में ही मांग भरा जाता है और मंगलसूत्र पहना जाता है ताकि कोई चांस ना मारे। जो भी लड़की आपको मंगलसूत्र में या सिंदूर में दिखे वो ऑलरेडी बुक्ड हो चुकी है जिंदगी भर के लिए, तो चांस मानने ना जाए। वो तो सबको पता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मेरे को बोलना पड़ता है क्योंकि इसमें है। ओके, हमें सारी दुनिया को एक साइड लेना है और इंडिया को एक साइड लेना है, तो सारे का सारे चीजों को मेरे को बोलना पड़ेगा। आप कमेंट करके ये मत बोलना कि प्रज्वल जी हमको पता है, हमको सिखाओ मत, बहुत होशियारी मत मार। पूरी दुनिया में देखो ना तो लड़का लड़का को हाथ पकड़ता है ना तो कुछ और ही समझ लेते हैं। समझदार आदमी कोई सारा काफी है। इंडिया ऐसा एक ही देश है जहाँ पे लड़का अगर लड़का का हाथ पकड़ के जाए तो वो एक सिंबल है दोस्ती का, फ्रेंडशिप, ऐसा नहीं कि कोई और रिश्ता है, समझ गए। जहाँ फॉरेन में अगर लड़की लड़की का हाथ पकड़ के जाए या लड़का लड़का के हाथ पकड़ के जाए रोड पे, सत्यानाश उसकी जिंदगी का, कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि ये दोनों फ्रेंड्स है इस वजह से हाथ पकड़ के जा रहे हैं। और खास करके लड़कों, अगर एक लड़का दूसरे लड़के का हाथ पकड़े फॉरेन में तो कुछ और ही सोचा जाता है। जो आप समझ गए होंगे, मेरे को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आप साधु देख रहे हैं ना, उसका नाम प्रहलाद जानी है और उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने 80 साल से कुछ नहीं खाया है और पानी भी नहीं पिया है। मतलब कि माँ अम्मा ने उनको हेल्प किया है इस मुकाम पे पहुंचने का, 80 साल से कुछ नहीं खाया है। और जब इसके ऊपर सर्वे हुआ क्या खा रहे या नहीं खा रहे, उनका भी सारे टेस्ट उनके ऊपर हुए, पर फिर भी साइंटिस्ट को भी कुछ पता नहीं चला, ना ही लैब में कुछ पता चला, ना ही वो खा रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया और फिर भी वो जिंदा है। इंडिया में जो थानेदार होता है या पुलिस वाला या जो भी आप समझो, सपोजिटली मंथली इनकम 900 रुपए है, बस वहां पे रुक जाओ, और जिनके मूछें होती है उनके 30 रुपए ज्यादा है, मतलब के 930 30 रुपए मूछों के लिए देते है सरकार। ऐसा माना जाता है कि जो मूछों के साथ जो आदमी होता है उनसे लोग ज्यादा डरते हैं और थोड़े अग्रेसिव और व्हाटएवर, इस वजह से 30 रुपए ज्यादा देते है। ज्यादा तो नहीं देते, ऐसा तो नहीं है कि 1000 ज्यादा देते हैं तो मूछें रखनी है। जिनके मूछें नहीं है उनको 30 नहीं मिलते और जिनके मूछें हैं उनको 30 ज्यादा मिलते हैं, बस इतने ही पंडा। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, ह्यूमिडिटी पोल्यूशन सब कुछ इंडिया में मिल जाएगा। ऐसा कहते हैं कि एक दिन अगर इंडिया में बिताओ तो 100 सिगरेट के बराबर है। जहाँ पे ज्यादा पोल्यूटेड एरिया है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कहीं ना कहीं गुजरात, कभी ना कभी अगर आप सोचो तो राजस्थान, कभी कभी आप ज्यादा सोचो तो पंजाब, काफी सारे ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा होता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन ज्यादा होते हैं और फार्मास्यूटिकल्स ज्यादा होते हैं। केमिकल्स, गैसेस, पोल्यूशन, ह्यूमिडिटी सब कुछ इंडिया में मिल जाएगा। एक दिन इंडिया में किससे कंपेयर किया गया? 100 सिगरेट बराबर। इंडिया में जैसे सारे के सारे लोगों के पास आधार कार्ड्स होते हैं, जहाँ वो कंपलसरी हो गया अब तो, वैसे ही सारे के सारे गायों के लिए आईडी कार्ड होता है। हाँ, आपने सही सुना, आईडी कार्ड। आईडी कार्ड क्यों होता है वो आपको पता है? इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे गाय, मतलब के गौ को माता के, और उनके स्लॉटरिंग, ट्रैफिकिंग मतलब के उनके, मेरे को बोलना भी नहीं पसंद है। इस वजह से सरकार ने ऐसा सोचा कि आइडेंटिटी प्रूफ ही बना देते हैं ताकि जहाँ अगर कोई गाय गुम जाए तो उनके ओनर का पता उसमें लिखा हुआ होता है, गाय का कलर, गाय का हाइट, गाय की उम्र, 2 साल तक ये वैलिड होता है, फिर 2 साल बाद उनको वापस से बनाना पड़ता है।
हमको पता है कि लिटरेसी रेट जो इंडिया में है ना वो 74% समथिंग है, तो इस वजह से स्पेलिंग मिस्टेक्स तो बहुत ही कॉमन होता है। जैसे कि कुछ चीज को कुछ और समझना, लिक्विड टी अवेलेबल हियर, मतलब कि कोई सोलिड टी पीता है, सोलिड टी का मतलब क्या है? पहले तो विजिटर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लक फ्लावर्स और ट्रीज फ्लावर्स तक तो ठीक था, ट्रीज को कैसे कोई झड़ से उखाड़ सकता है? ये होता है इंडिया में, ये इंडिया में ही पॉसिबल है, जहाँ पे दो लोगों को बाइक में बैठाना है और चार लोग चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। फोर व्हील में भी जगह पांच जन की है, बैठाते हैं सात जन, आराम से बैठ जाते हैं। कुछ भी मानना ना मानना, रूल्स रेगुलेशंस कुछ नाम का भी नहीं, जैसे कि ये सेफ्टी का तो कुछ नहीं। जहाँ पे फाइव सीटर की कार होती है ना, वहाँ पे सात जन को बिठा देते हैं और ऐसे आराम से बैठ जाते हैं ना। मैं बोलती हूँ ना आपको, इंडियंस कहीं भी जाए ना वहाँ पे दिख ही जाते हैं। मैंने लिटरली एक जगह पे देखा था जहाँ पे एक अल्टो में सात जन थी, पीछे के सीट में चार आदमी, ड्राइवर के बाजू वाले सीट में दो आदमी और खुद ड्राइवर, सात जन बैठे थे एक अल्टो में और ऐसे आराम से बैठे थे, ऐसे आराम से बैठे। आप अगर अकेले बैठे होंगे ना तब आपको इतना मजा नहीं आता, तब आपको इतना कंफर्ट नहीं फील होता होगा जैसे उन लोगों को हो रहा होता है। ओके दोस्तों, आज के लिए थे इतने। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल टू बी अपडेटेड टू माय न्यू वीडियोस। और अगर मेरा मूड होगा तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी, मोटिवेशन वापस आना चाहिए। ओके दोस्तों, बाय।